स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ब्रिलियंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्यों नहीं अच्छी चल रही होगी? अच्छी चल ही रही होगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या पाना है? सक्सेस पाना है, इसलिए आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही होगी तो अच्छी कर लीजिए, अच्छी कर लीजिए बेटा पढ़ाई। क्यों? क्योंकि बेटा आपको सर उठा के जीना है। आपके माँ बाप ने आपके लिए एक सपना देखा है, उस सपने को पूरा करना है। जब आप माँ बाप आपके मुसीबतों में झेल कर, विपत्तियों को सह कर आपको इतनी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ा सकते हैं, अपने लिए सारी उम्मीदों को भूल कर आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप के लिए तो कम से कम पढ़ो बेटा। एक सपना देखो, ऐसे सपने मत देखो फॉर्च्यूनर से चलना है, डीएम बनना है, एचडीएम बनना है। ऐसे सपने देखो जो आप पूरे कर सको, हकीकत वाले सपने देखो बेटा। जितनी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से सपना देखो। कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं इस दुनिया में, लेकिन जिस चीज़ को आप पा सको उसका सपना देखो बेटा, कभी दिल नहीं टूटेगा आपका। अपने माँ बाप के लिए सपना देखो, अपने से यह कमिटमेंट करो बेटा कि अगर माँ बाप ने हमें अपने कंधों पे घुमाया था तो हम भी उन्हें एक अच्छी लाइफ देंगे। अगर ना कर सके कुछ तो उनके लिए इतना ज़रूर करेंगे, कभी उनको दुख ना हो ज़िंदगी में, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। खुद से कमिटमेंट करो बेटा, क्योंकि आपको दुनिया में बेटा पता है ये दुनिया कैसी है। सिर्फ दो चीज़ें ही बेटा आपको सक्सेस बनाती हैं, एक आपके माँ बाप और एक आपकी किताबें। तो प्यार करना है तो इनसे करो बेटा। अगर किताबें धोखा भी देंगी आपको तो कुछ ना कुछ बना कर छोड़ेंगी आपको बेटा, कुछ ना कुछ बना कर छोड़ेंगी ये किताबें। तो इस दिन आप बेटा कमेंट करिए, कमिटमेंट करिए, अपने आप से वादा करिए कि हम पढ़ेंगे 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 और मेहनत करेंगे। इसी के साथ बेटा हम आज आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। 4 मार्च बेटा करंट अफेयर, बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट कर लाए जाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन छांट छांट कर जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसलिए ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ा करो बेटा। तो बेटा अगर करंट का पहला क्वेश्चन देखोगे बेटा, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, अगर कोई भी सेना से संबंधित अभ्यास हो रहा है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ख़ासकर वो अभ्यास जिस अभ्यास में भारतीय सेना भाग ले रही है, वो चाहे भारत में हो चाहे कहीं पर भी हो। तो बेटा इस अभ्यास का नाम है कि डेजर्ट फ्लैग 6। बेटा 6वां संस्करण, इसलिए इसका नाम दिया गया है डेजर्ट फ्लैग 6। अभ्यास का आयोजन कहाँ होगा बेटा? तो यूएई देश में अल डफरा एयरबेस पर बेटा डेजर्ट फ्लैग 6 का अभ्यास होगा। और इसमें बेटा भारत, फ्रांस और यूएसए अर्थात अमेरिका सहित 10 देशों की वायुसेनाएँ भाग ले रही हैं इस अभ्यास में। अगर बेटा भारत की बात करोगे तो C-17 ग्लोब मास्टर, सुखोई 30 MKI, अन्य जहाज बेटा इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बेटा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेटा इस अभ्यास में भारत भी भाग ले रहा है। ये कहाँ होगा बेटा? ये आपके यूएई में अल डफरा एयरबेस पर होगा। अगर बेटा बात यूएई की होती है, अगर यूएई, तो आपको यूएई से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ये याद होना चाहिए कि बेटा जो आईसीसी का मुख्यालय है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो बेटा मुख्यालय है, कल बेटा मुख्यालय है ये कहाँ है बेटा? आपके यूएई में बेटा दुबई में पाया जाता है, दुबई शहर में। यूएई के दुबई शहर में आईसीसी का मुख्यालय बेटा यहीं पर है। और आपको पता होना चाहिए बेटा जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जिसका नाम है बेटा बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, ये भी आपकी बेटा दुबई में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 829.8 मीटर बेटा ऊंचाई है। ये भी आपके बेटा दुबई में है।
एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, फिर अगर देखोगे और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ से देखना चाहते हो तो इसको मिटा रहे हैं बेटा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखना चाहोगे दुबई से तो बेटा आप दुबई से कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा बन जाता है, यूएई से, क्योंकि यूएई में ही बेटा आपका दुबई पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो बेटा यूएई का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ जायद वो नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ जायद किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और बेटा सन 2020 का जो आईपीएल हुआ था वो भी यूएई में ही हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन बेटा, यूएई मुस्लिम कंट्रीज का ऐसा देश है, ऐसा पहला देश है जो कोयले से विद्युत उत्पादन करेगा, कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला यूएई बेटा पहला देश बन गया है। तो इतने क्वेश्चन बेटा आपको यूएई से पता होना चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखोगे कि वन्य जीव दिवस जो है बेटा, विश्व वन्य जीव दिवस जो आपका कब मनाया जाएगा बेटा, तो आपका बेटा ये 3 मार्च को, हर वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस बेटा 3 मार्च को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हमने आपको बताया था पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे कोई पुरस्कार हो, चाहे कोई सम्मेलन हुआ हो, चाहे कोई दिवस हो, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, इसलिए बेटा आपका ये इंपॉर्टेंट है। अगर सन 2021 में बेटा थीम अगर देखोगे, सन 2021 की अगर थीम देखोगे विश्व वन्य जीव दिवस की बेटा, तो फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, फॉरेस्ट एंड लेवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, ये बेटा सन 2021 विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपको यही बात, बेटा एक बात और पता होना चाहिए कि वन्य जीव अधिनियम जो बेटा पारित हुआ था भारत में, वन्य जीव अधिनियम ये 1972 में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा गया है, वन्य जीव अधिनियम आपका 1972 में बना था, और प्रोजेक्ट टाइगर सन 2019 के पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, प्रोजेक्ट टाइगर बेटा कब बना था भारत में, तो कैलाश शांकला जो बेटा राजस्थान जोधपुर के निवासी थे, उनके प्रयासों से सर्वप्रथम इंदिरा गांधी जी ने आपके बेटा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बेटा बनाया था। और बेटा कैलाश शांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो पता होना चाहिए बेटा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, वन्य जीव अधिनियम बेटा आपका 1972, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अगर बेटा ये क्वेश्चन देखोगे कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बेटा कौन से बन गए, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इनका नाम बेटा विराट कोहली है, ये भी आप याद रखिएगा, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ द्वारा आयोजित शॉर्ट गन विश्व कप सन 2021 में अगर देखोगे तो पहली बात इसका आयोजन कहाँ हुआ ये आपको पता होना चाहिए, तो बेटा इसका आयोजन जो आपका हुआ है वो काहिरा मिस्र में हुआ है। अब बेटा इसमें बात करोगे तो भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है और रूसी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, इतना आपको बेटा पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखना चाहते हो आप तो ये देखोगे बेटा कि युवा श्रेणी के तहत जानकी अमल राष्ट्रीय महिला जैविक वैज्ञानिक पुरस्कार, बेटा जानकी अमल राष्ट्रीय महिला जैविक वैज्ञानिक पुरस्कार सन 2020 किस बेटा किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर नीतू सिंह, ये बेटा आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर हैं, इनको बेटा सन 2020 का जानकी अम्मा राष्ट्रीय महिला जैविक वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा किसी महिला को अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला अगर बेटा क्वेश्चन देखना चाहते हो तो ये है आपका कि केंद्र सरकार सन 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने का निवेश करेगी, कितने पैसे निवेश करेगी, इस केंद्र सरकार ने घोषणा की है, तो सन 2035 तक समुद्री परिवहन के क्षेत्र में केंद्र सरकार $82 अरब का निवेश करेगी। और बेटा आपको यहीं पे पता होना चाहिए कि बेटा केंद्र सरकार ने बेटा सागरमाला परियोजना चला रही है, इसके तहत बेटा विभिन्न प्रकार के बंदरगाहों का, समुद्र से संबंधित परिवहनों का विकास किया जाएगा बेटा सागरमाला परियोजना के तहत।
और भारतमाला परियोजना क्या है? भारतमाला परियोजना के तहत बेटा राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा। दोनों परियोजनाएं भी याद होनी चाहिए आपको। सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों का विकास किया जाएगा और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा। इतना आपको बेटा याद रखना है। नेक्स्ट बेटा अगर क्वेश्चन देखोगे तो 140 मिलियन साल पुराना डायनासोर का जीवाश्म बेटा कहाँ मिला है? तो आपको बेटा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना देश में मिला है बेटा। दक्षिणी अमेरिका का देश है अर्जेंटीना, राजधानी है ब्यूनस आयर्स बेटा, इसकी राजधानी है अर्जेंटीना की। तो वहाँ पे बेटा 140 मिलियन साल पुराना डायनासोर का जीवाश्म मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा याद रखिएगा। अगर फिर अगर देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव बेटा, योग दिवस की बात नहीं कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की बात कर रहे हैं, इसका आयोजन बेटा कहाँ होगा? तो इसका बेटा जो आयोजन है वो ऋषिकेश उत्तराखंड में हो रहा है बेटा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश उत्तराखंड में हो रहा है बेटा, उत्तराखंड में। बात बेटा जब उत्तराखंड की हो तो बेटा याद रखना ये बात आप लोग कि उत्तराखंड में बेटा से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक दिन की जो बेटा आपकी सीएम बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी, वो भी उत्तराखंड की ही रहने वाली थी। जो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है वो भी बेटा उत्तराखंड में बन रहा है आपका। तो ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बेटा ये भी उत्तराखंड से रिलेटेड है। घरों की पहचान, घरों की पहचान चेलिक नाम, घरों की पहचान चेलिक नाम बेटा, इसका हिंदी जो अर्थ है बेटी का नाम घर की पहचान। ये जो योजना है बेटा कहाँ पे लागू की गई है? ये बेटा योजना उत्तराखंड में लागू की गई है, महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास के लिए बेटा ये योजना लागू की गई है। घरों की पहचान चेलिक नाम, बेटी का नाम घर की पहचान योजना, ये उत्तराखंड राज्य में लागू की गई है। उत्तराखंड राज्य की अगर बेटा बात करोगे तो की स्थापना कब हुई थी बेटा? तो उत्तर प्रदेश के ही भाग से बेटा 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक बेटा ये आप याद रखिएगा। और ये बेटा क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ पीस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टैचू ऑफ पीस जो बेटा विजय वल्लभ सूरीश्वर जैन आचार्य की मूर्ति है बेटा, स्टैचू ऑफ पीस जो विजय वल्लभ सूरीश्वर जैन आचार्य की मूर्ति है बेटा, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो पाली जिले जैतापुर में बेटा ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में बेटा पाया जाता है। उत्तराखंड बेटा ऊपर वाला गलती से लिख गया था बेटा, ये पाली जिले जैतापुर राजस्थान में बेटा इस मूर्ति की स्थापना की गई है। राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस की मूर्ति, किसकी मूर्ति बेटा ये इंपॉर्टेंट है, किसकी मूर्ति? विजय वल्लभ सूरेश्वर जैन आचार्य की मूर्ति है। कहाँ बेटा? पाली जिले जैतापुर राजस्थान में इस मूर्ति की बेटा स्थापना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बेटा अगर लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो बेटा उत्तराखंड में बाढ़ से रिलेटेड है। अभी बेटा आपके नंदा देवी ग्लेशियर के फटने से जो बाढ़ आई है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे हमने लिख दिए है बेटा। उत्तराखंड में चमोली जिले में बेटा, अगर जिले की बात करेगा तो चमोली जिले में ग्लेशियर कौन सा है? नंदा देवी ग्लेशियर। ये कहाँ पाया जाता है बेटा? जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में। नंदा देवी ग्लेशियर बेटा आप कहाँ है? जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में, चमोली जिले में। तो नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से बेटा कौन से नदी की अगर बात करेगा बेटा, ये ऋषि गंगा नदी, ऋषि गंगा नदी। यही ऋषि गंगा नदी आगे चलकर बेटा कहाँ मिल जाती है? धौली गंगा नदी में मिल जाती है। इसलिए ऋषि गंगा नदी और आगे चलकर ये धौली गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस नदी में बाढ़ आ गई है। अगर बेटा तबाही सबसे ज़्यादा कहाँ मची है बेटा, तो जोशीमठ एवं पैंग गांव में ज़्यादा तबाही मची है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि आपको जो तपोवन या इसी को बेटा ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ऋषि गंगा या तपोवन पावर प्रोजेक्ट, ये बेटा नष्ट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा किस जिले में आई है? चमोली जिले में। कौन सा ग्लेशियर है? नंदा देवी ग्लेशियर है। कौन सी नदी है बेटा? तो ऋषि गंगा, जो आगे चलकर धौली गंगा मिल जाती है। इन नदियों में बाढ़ आई है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ बेटा? जोशीमठ एवं पैंग गांव में भयानक तबाही मची है। और लास्ट में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सा पावर प्रोजेक्ट नष्ट हो गया है? तो तपोवन या ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट नष्ट हो गया है। तो ये भी बेटा आप याद रखिएगा। तो इतने आपके करंट क्वेश्चन है आपके बेटा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बेटा कुछ संगठन जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है, धीरे धीरे करके हम आपको संगठन का भी कंप्लीट करवा देंगे विविध में। तो आज हमने यहाँ पे आपसे 3-4 संगठन लिए हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। विविध का टॉपिक है बेटा, विविध का टॉपिक है। तो पहला बेटा का देखा जाएगा वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक से बेटा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वर्ल्ड बैंक हिंदी है, विश्व बैंक, ये बेटा क्या काम क्या करती है? जो बेटा विकासशील राष्ट्र हैं, जो गरीब राष्ट्र हैं, उनके उत्थान के लिए बेटा, उनके विकास के लिए ये बेटा फंड उपलब्ध कराती है उनको बेटा, विभिन्न टैक्सों पर, विभिन्न करों पर, करों पर विभिन्न ब्याज की दरों पर बेटा, कुछ देशों को निःशुल्क में भी बेटा ये पैसा उपलब्ध करवाती है विश्व बैंक। तो इसकी स्थापना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ये यूएसए में पड़ता है बेटा, वाशिंगटन डीसी यूएसए में, मतलब अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष की बात करोगे बेटा तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास बेटा, कई बार पूछा गया आपसे एनटीवीसी में क्वेश्चन ये कि अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के, डेविड मालपास हैं। एमडी एवं सीईओ कौन है बेटा इसके, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं मुख्य विकास अधिकारी बेटा इसके कौन से हैं इस समय? तो बेटा अंशुला कांत जी हैं इस समय इसके एमडी एंड सीईओ। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है बेटा वर्ल्ड बैंक के? तो मुख्य अर्थशास्त्री जो है बेटा कॉर्मेन रेहार्ट हैं बेटा इसमें मुख्य अर्थशास्त्री। इतने क्वेश्चन आपको बेटा पता होना चाहिए। ये बेटा आपका वर्ल्ड बैंक हो गया। नेक्स्ट संगठन की अगर बात करोगे बेटा तो नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये बेटा इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत बार पूछा गया है बेटा। तो इसकी बड़ा स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में बेटा इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है बेटा इसके प्रेजेंट में नासा के? तो नासा के बेटा जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में वो जिम ब्रिडेनस्टाइन है। ये बेटा ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है बेटा, जो विभिन्न प्रकार के उपग्रह है को बेटा अंतरिक्ष में भेजने का काम करती है नासा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका ये नासा वाला। उसी तरह बेटा आपसे यूएन के बारे में बहुत पूछता है, यूएन या यूएनओ बेटा वही एक ही चीज़ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इससे बेटा एनटीपीसी में देखोगे तो कई क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी वर्ष आपसे बेटा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय बेटा इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका बेटा मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है बेटा इस समय यूएनओ को? तो अध्यक्ष बेटा इस समय एंटोनियो गुटेरस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदस्य देश बेटा इसमें कितने हैं प्रेजेंट में यूएनओ के? तो यूएनओ के सदस्य देश हैं 193। एनटीपीसी में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 193 सदस्य हैं उसमें जो सबसे लास्ट का सदस्य है 193वां वो कौन बना था? तो 193वां जो बेटा सदस्य था वो दक्षिणी सूडान था बेटा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दक्षिणी सूडान बेटा बना था आपका। इस तरह लास्ट बेटा अगर देखोगे तो भारतीय बेटा स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये बेटा भारतीय स्पेस एजेंसी है जो विभिन्न ग्रहों एवं उपग्रहों को बेटा अंतरिक्ष में भेजने का काम करती है। ठीक है बेटा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की अगर बात करोगे तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है बेटा? बेंगलुरु कर्नाटक में है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका बेटा मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है बेटा इसमें प्रेजेंट में? तो बेटा अध्यक्ष के शिवन, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था लेकिन बेटा इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, इसलिए प्रेजेंट में बेटा इसरो के अध्यक्ष कौन है? के शिवन। तीन चारों एजेंसियां बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और एजेंसियों के बारे में बता देंगे। और ये करंट के क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए छांट के लाए गए हैं, आप याद रखिएगा। बेटा पढ़ाई करो, रोज मैं आपसे कहता हूँ बेटा पढ़ लो। एक बात बेटा आपको और पता होनी चाहिए, अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है ना बेटा तो आप एक चीज़ छोड़ दो, आप बेटा एक सक्सेसफुल इंसान से जो राय लेते हो उससे लो राय, लेकिन जो असफल हुआ है उससे भी आपको राय लेनी चाहिए ज़िंदगी में। उसकी कमियों को देखकर आपको अपनी कमियां भी पता चल जाएंगी। अगर किसी सक्सेसफुल इंसान से आप राय लेते हो तो बेटा यही कहता है कि हमने ना तो कोई कोचिंग की, ना तो कभी 10 घंटे पढ़े, 2-4 घंटे पढ़कर ही, खुद से पढ़कर ही, सेल्फ स्टडी कर ही MDM बन गए, SDM बन गए, PCS बन गए। बेटा ये भ्रम है सब आपका, रियल में भ्रम है। अगर दिल्ली इलाहाबाद में चले जाओ बेटा, रात रात सोते नहीं हैं बच्चे, और IAS बनने के बाद आपको बताते हैं कि हम एक दिन कोचिंग नहीं गए,
2-3 घंटे पढ़कर हम डीएम बन गए बेटा। ये सब सफलता के बाद की जो बात है बेटा, वो लोग कुछ भी बोल देते हैं। रियल जो फैक्ट है, कुछ भी अगर प्रेजेंट में आपको बनना है तो 8 से 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो सफल इंसानों के साथ में आप असफल इंसानों से भी राय लीजिए कि आप आईएएस की तैयारी करते थे, एसएससी की तैयारी करते थे, क्यों नहीं सफल हुए। वो 100% अपनी कमियां बताएगा कि हमने ये गलती की, हमने ये गलती की, इसलिए आज हम ये नहीं बन पाए। किसी गरीब से, किसी सब्जी बेचने वाले, किसी फल बेचने वाले से आप राय लीजिए, यही कहेगा कि हमारे पिताजी तो पढ़ाना चाहते थे लेकिन हम नहीं पढ़े। गलत संगत में पढ़कर, गलत रास्ता अपनाकर, अपने माँ बाप की बातें ना सुनकर हम गलत संगत में पड़ गए और आज ये नतीजा है कि हम ठेला लगा रहे हैं। राय लेके देखो बेटा एक बार, तो दोनों लोगों से आप राय लीजिए और जो आपको बातें अच्छी लगी वो अपने जीवन में उतारिए। इसी के साथ बेटा हम नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।